हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं चैनल हेल्पिंग अभी, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो आज का जो वीडियो है वो है, मैंने एक्सेल के ऊपर बनाया है, जो कि टेक्स्ट फंक्शन है। मैंने कुछ टेक्स्ट फंक्शंस के यूज़ किए हैं, कॉन्कैटिनेट, प्रॉपर, ट्रिम, लोअर और अपर, जो कि हम लोग जब भी एमएस में काम करते हैं एक्सेल पे तो बहुत चीज़ हमें फॉर्मेट करनी होती है, अरेंज नहीं होती है। तो ये जो टेक्स्ट फंक्शन है इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप इसको सीख जाएंगे तो आपकी जो फॉर्मेटिंग आप जो करना जो सीखेंगे ना, वो मतलब ऑसम लेवल का होगा। और हज़ारों हज़ार जो सेल्स होते हैं, अगर उन्हें ज्वाइन करना हो तो कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे उन्हें प्रॉपर तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, तो ये चीज़ जो है, जो टेक्स्ट फंक्शन है, अभी तो मैं चार पांच ही बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में अभी इसका मैं अगला पार्ट भी लाऊंगा। अगर आप लोग को पसंद आए वीडियो तो इसमें जैसे फाइंड है, रिप्लेस है, लेफ्ट है, राइट है, डॉलर्स, ये सारी जो टेक्स्ट फंक्शन है इनका यूज़ करना आपको बकायदा बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, अगर मैं आपको बता दूंगा तो। फिलहाल अभी मैंने चार पांच दिए हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप चाहे तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फंक्शन का यूज करें और बिल्कुल मास्टर बन जाएं एक्सेल में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और मैं आज आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके कैसे हम अपने डेटा को कैसे अरेंज कर सकते हैं और अपने काम को कितना आसान कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग में बहुत हेल्प आती है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, मैं वर्कशीट यहाँ पर ओपन करता हूँ, ऑलरेडी आप लोग के लिए बना के रखा हूँ। आप लोग चाहे तो नीचे से डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रखा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर ले सकते हैं एक्सेल फाइल। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, मैंने इसमें क्या किया है, थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं स्मॉल कैपिटल का मिक्सअप कर दिया है और कुछ स्पेसेस आगे पीछे डाले हैं, जो कि आपको अजीब सा लग रहा होगा देखने में। तो इसको हमें क्या करना है ना, अरेंज करना है। देखते हैं हम लोग फंक्शन का यूज़ करके, फॉर्मूला का यूज़ करके कैसे हम लोग आसानी से इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं कि ये अब बिल्कुल सही नहीं लग रहा होगा देखने में, इसे हम लोग काम करते हैं। तो पहला जो है कॉन्कैटिनेट जो है इसका हम लोग यूज़ देखते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं आपको पहले समझा देना चाहता हूँ इस चीज़ को, तो हम लोग वहां पे करेंगे। ठीक है, सिंपल हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। यहाँ पर कॉन्कैटिनेट को हम लोग कैसे यूज करते हैं वो देखिए। ये होता क्या है कि दो जो स्ट्रिंग्स है हम लोग को जोड़ दिया जाता है, दो जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, हमें उसे जोड़ देगा, कंबाइन कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि इज इक्वल टू का साइन देना है, सी ओ एन लिखना है। तो आपको यहाँ नीचे में ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा और फिर आप इसको क्या कहते हैं कि इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बोला है कॉन्कैटिनेट जो है इसमें टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू जो है, हमें इससे क्या करना है, यहाँ पर जो आप कर्सर देख रहे हैं तो आप लिख भी सकते हैं ओपन ब्रैकेट करके, उसके बाद आप सेलेक्ट कर ले सेल को। मैंने एक सेल को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको कॉमा डालना है। कॉमा डालने के बाद आप दूसरे सेल को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसे ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर किया, ये दोनों को ले लिया, कंबाइन कर लिया, हेल्पिंग अभी आ गया यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ पर स्पेस नहीं है। अगर यहाँ पर चाहे तो आप इसको ड्रैग करके आप इसको करेंगे तो नीचे का जितना ऑटोमेटिकली वो देखेंगे कि सबको ज्वाइन कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ज्वाइन कर रहा है तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसको हम लोग को प्रॉपर करना है। तो इसमें क्या है कि हमें स्पेस डालनी है। ठीक है, इसमें तो स्पेस है और इस बाकी में स्पेस नहीं है, तो कैसे डालेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या करना है या फिर मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ठीक है, वापस लिखते हैं हम लोग इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट है, इसको आप टेक्स्ट वन को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट वन को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देंगे और डबल कोट का यूज करेंगे। याद रखिए, अगर स्पेस डालना है तो डबल कोट का यूज करेंगे। ठीक है, स्पेस देंगे यहाँ पर डबल कोट और कॉमा डाल के
ये हमारा यहाँ पर अब दूसरे सेल को सेलेक्ट कर लेना है बस, और एंटर दबा दीजिए। देखिए यहाँ पर स्पेस आ गया, और इसको ड्रैग भी कर सकते हैं यहाँ पर, जो बस इसको आपको डबल क्लिक करना है और ये अरेंज हो गया, देख रहे हैं यहाँ पर। बस यही समझाना चाह रहा था, आ जाइए शीट वन पे। अब हम लोग कॉन्कैटिनेट पहले हम लोग कर लेते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग सेल वन को लेते हैं कॉमा, फिर डबल कोट डालते हैं स्पेस, डबल कोट टिक कॉमा, उसके बाद सेल टू को करने के बाद एंटर, आप चाहे तो ब्रैकेट क्लोज कीजिए या एंटर दबा दीजिए, या डायरेक्ट भी दबा सकते हैं। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पर स्पेस हमारी आ गई, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा इन्होंने अरेंज कर लिया, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब हमें प्रॉपर का यूज करना है, ठीक है। प्रॉपर में आपको सिंपल इज इक्वल टू का साइन डालना है, PROP लिखना है, नीचे आ भी जाएगा या आप पूरा भी लिख सकते हो, डबल किया प्रॉपर में, और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। अभी हमने जो ये हमारे सामने जो कॉन्कैटिनेट है, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और एंटर दबाएंगे, ठीक है। देखिए प्रॉपर में क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो जाता है, यानी फर्स्ट लेटर को कैपिटल में हम लोग ने आराम से लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग अभी का फर्स्ट लेटर जो एच है और ए है, इन्होंने कैपिटल में किया, बाकी को स्मॉल में रखा, ठीक है। अब मैं सारे को करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो इसे मैं डबल क्लिक कर दिया। देखिए कैसे काम हो रहा है हमारा, अब सारे का अरेंज हो गया, बट यहाँ पर स्पेस आगे पीछे है, कोई बात नहीं। अभी हम इसको ट्रिम कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है ना वो हम लोग हटा देते हैं। अभी हम लोग इसका ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे, इज इक्वल टू का साइन देंगे, PRIM लिखेंगे, और यहां से आप सेलेक्ट भी कर लेंगे, ठीक है, और टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लें, टेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रिम, और उसके बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। देखिए हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो हट गया आगे से, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हेल्पिंग के आगे जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो हट गया, और हेल्पिंग अभी एग्जैक्टली हमारा हो गया। और ये आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारा परफेक्टली यहाँ पर फॉर्मेट हो चुका है, ठीक है। हमने ट्रिम कर दिया, पहले कॉन्कैटिनेट यूज़ किया, प्रॉपर यूज़ किया, ट्रिम यूज़ किया। अब हमें अगर सपोज दैट हमें अपर केस चाहिए, मतलब मुझे सारे कैपिटल्स में चाहिए, हेल्पिंग अभी सारे कैपिटल्स में चाहिए, तो बहुत आसान है, इज इक्वल टू का साइन देना है, UPPR आपको लिखना है, अपर लिखना है, मैं इसे ले लेता हूँ, और टेक्स्ट जो हमारा जो ट्रिम किया हुआ है इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और एंटर दबाऊंगा। देखिए सारे टेक्स्ट जो है हमारे वो अपर केस में आ चुके हैं, और फिर मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे सामने सारा कैपिटल में आ गया। अगर आपको सारे को लोअर में लेके जाना है तो बहुत ही आसान है, बस कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू का साइन देना है, LOWER लिखना है, ठीक है। आप डबल क्लिक करें या ओपन ब्रैकेट देके टेक्स्ट जो है आप इसको सेलेक्ट कर ले और एंटर दबा दे। हेल्पिंग अभी जैसे है आप देख सकते हैं कि ये टोटल हमारा लोअर केस में डाल दिया, स्मॉल में डाल दिया, ठीक है, सिंपल डबल क्लिक करेंगे आ जाएगा। तो आपने क्या सीखा आज कि कैसे हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। अभी देखिए कैसे अरेंज नहीं था हमारा, सबसे पहले हमने क्या किया, कॉन्कैटिनेट लगा दिया, हेल्पिंग अभी आप देख रहे हो, उसके बाद मैंने प्रॉपर लगा दिया, प्रॉपर लगाने के बाद फिर ट्रिम कर दिया। ट्रिम हम लोग करते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होते हैं वो हटा दिया, और ये ट्रिम होने के बाद परफेक्टली हमारा फॉर्मेट हो चुका है। उसके बाद हमने अपर केस यूज किया, लोअर। तो आज आपने सीखा कॉन्कैटिनेट, प्रॉपर, ट्रिम, अपर, लोअर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप कमेंट करेंगे, और दूसरे फंक्शन भी मैं आपको सिखाऊंगा, डिपेंड करता है आप लोग कैसे कमेंट करते हैं, अगर पसंद आया तो फिर मैं आगे बनाऊंगा। और प्लीज़ अगर आप लोग चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्दी। जाते जाते बस मैं यही कहूंगा, दुआओं में याद रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद।